नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इन तीनों के आंदोलन के स्वरूप को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि इनके रैलियों में भीड़ बहुत आती रही, लेकिन हार्दिक बधाई मिल गई भारतीय जनता पार्टी को। जी हां, आप समझ गए होंगे, हम उन्हीं तीन आंदोलनकारियों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने गुजरात की राजनीति को एक नई दिशा दी है। हमारे साथ हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी तीनों मौजूद हैं। भीड़ बहुत आई, कांग्रेस पार्टी ने यह भी सोच लिया कि इनकी रैलियों की भीड़ के साथ हम सत्ता से बीजेपी को दखल कर देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। अंततः सरकार बीजेपी की ही बनी, लेकिन 99 सीटों पर। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार ये तीनों आज एक साथ आज तक पर हमारे साथ हैं, और सीधा सवाल यही होगा इनसे कि अब क्या कहें, हीरो या फिर जीरो। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ तीन युवा की जोड़ी। भारत माता के। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ युवाओं की आस। गुजरात में बीजेपी ने घर तो बचा लिया, लेकिन उसके दरवाजे पर आज कांग्रेस आ खड़ी हुई है। बीजेपी अगर 115 से 99 पर लुढ़क गई है और कांग्रेस 80 तक पहुंच गई है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ये तीन चेहरे। हार्दिक पटेल, उम्र 24 साल, पहचान पाटीदार नेता। अल्पेश ठाकुर, उम्र 40, पहचान ओबीसी नेता। जिग्नेश मवाणी, उम्र 37, पहचान दलित नेता। गुजरात में ये पहली बार था जब 22 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को टक्कर किसी मंझे हुए राजनीतिक चेहरे से नहीं, बल्कि उन युवाओं से मिली जिनके पास सियासी समझ की उम्र उतनी भी नहीं थी जितने साल बीजेपी ने गुजरात में राज किया। एक सर्वे के मुताबिक इस बार गुजरात में 4,27,00,000 वोटरों में से 52% वोटर 18 से 40 साल की उम्र का है, और 2012 में सिर्फ 25% युवाओं ने कांग्रेस का साथ दिया था, जबकि इस बार 38% युवा वोट कांग्रेस के साथ गए हैं। एक जमाना था कि जब भाजपा 2007-2012 में जीते तो पूरा गुजरात जश्न मनाता था, घर घर लड्डू लोग बांटते थे। मैंने तो कल कहीं देखा ही नहीं, लोग ऊपर से नाखुश थे कि अरे ये सरकार कैसे बना ली, ये सरकार कैसे किया, मैंने तो वोट नहीं दिया, कैसे बना ली। तो बड़े दुख की बात है। और कल ज़्यादा खुश तो दिल्ली हाईकमांड ज़्यादा हुआ, प्रदेश का कोई, क्योंकि उनको तो ऐसा था कि मैं हार रहा हूँ और जीत गया 200 वोट 300 वोट। बीजेपी की जीत इस देश के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उम्मीद करते हैं कि यही लड़ाई इतनी तगड़ी होगी आने वाले दिनों में कि 2019 में उनको घर बिठाएंगे। भाजपा जीत के भी हार गई है, हम हार के भी जीत गए, क्योंकि पूरी गुजरात के अंदर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा समर्थन मिला। इन तीनों ने भले ही पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा हो, लेकिन पीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान और प्रचार के बाद भी इनका नाम तक नहीं लिया। हाँ, इन तीनों की राजनीति को जातिवादी जरूर बताया। सत्ता भूख के कारण इस चुनाव में कुछ लोगों ने पिछले कुछ महीनों में फिर से एक बार जातिवाद के बीज बोने के जो प्रयास हुए हैं, जिसको गुजरात की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र है। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान का समर्थन आंकड़े भी करते हैं। ओबीसी, दलित और पाटीदार बहुल सीटों पर भी बीजेपी ने ही बाजी मारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन तीनों का असर सिर्फ जातिवादी ही था, या तीनों गुजरात के नौजवानों की आवाज बने? क्या बीजेपी की सीटें कम करने में कांग्रेस को इन तीनों का ही सहारा मिला? क्या गुजरात का युवा बीजेपी से कट रहा है? आज तक ब्यूरो। बीते दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी दफ्तर से दिल्ली में नारा दिया, जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा। लेकिन हार्दिक पटेल कहते हैं ये विकास मॉडल की विक्ट्री नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं विकास का मॉडल मोदी का खोखला है। इन सब के बीच तीनों आंदोलनकारी आज तक पर होंगे, और जैसा हमने कहा था, चुनावी नतीजों के बाद भी आपसे बातचीत होगी। हार्दिक पटेल ने भी वो वादा रखा है। हार्दिक पटेल, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। पहला सवाल मेरा वही जो हमने पहले भी आपसे पूछा,
और सबसे पहला सवाल हार्दिक पटेल जो टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, नतीजों के बाद क्या कहे हार्दिक पटेल को, हीरो कहे या जीरो कहे? बीजेपी का कहना है कि आप जीरो हैं, आपका कहना है कि अपने पाटीदार समाज की आंखों में आप हीरो हैं, आप अपनी नजर में हीरो हैं या जीरो? देखो, हीरो और जीरो योजना जी लोग तय करते हैं, और पहली बात कि ना मैं कोई हीरो हूँ ना ही कोई मैं जीरो हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ। मैंने जितना भी पिछले 2.5 साल में जेल गया, गुजरात बाहर जाना पड़ा, गांव-गांव मैंने सभाएं की, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने जो भी फैसला किया है उसको हमें स्वीकारना पड़ता है। लेकिन मैंने जितना भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, बिल्कुल गुजरात की जनता काफ़ी जागरूक हुई है और अभी भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हम दौड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन बुजदिल की तरह घर में बैठ कर सिर्फ तमाशा नहीं देखेंगे। जो भी करेंगे ईमानदारी से कड़वा बोल कर करेंगे। नहीं नहीं, कड़वा तो आप बोलते हैं, कड़वा पटेल भी है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मैच में एक व्यक्ति जीतता है और एक टीम हारती है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि राजनीति में कूद रहे हैं तो जीतना ही लक्ष्य होना चाहिए। हारने वाले को वेल प्लेड ही कहा जा सकता है। हार्दिक बधाई तो बीजेपी को ही मिलेगी, हार्दिक पटेल। अच्छा, नहीं अच्छी बात है ना, उनको बधाई मिली, लेकिन मैं बधाई नहीं देता। मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि गुजरात में पिछले 25 सालों के बाद एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उभरी है, और अब जो भी लड़ाई गुजरात का कोई युवा लड़ेगा, या कोई भी पटेल समाज का हो, दलित समाज का हो, या गुजरात की कोई भी जनता हो, अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो अब विपक्ष का भी उनको सहयोग मिलेगा। जिग्नेश मेवाणी हो या फिर अल्पेश ठाकुर हो, वो लोग विधानसभा में हमारे मतलब जनता का मुद्दा उठाएंगे। और बड़ी बात अंजना जी, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मतलब मैं कोई नेता किसी पार्टी का नहीं हूँ कि मुझे चिंता करनी चाहिए कि रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया। मैं तो एक आंदोलनकारी हूँ, और आंदोलनकारी की जबान से सिर्फ और लोगों के अधिकार की बात निकलती है। लेकिन ये दो युवा मतलब मुझसे तो बड़े हैं 15 साल 10 साल, तो मैं तो यही कहूंगा बस आप विधानसभा में जाइए, बस उनकी तरह मत बैठ जाना, मजबूताई से आवाज उठाना ताकि लोग आप पर भरोसा करें। मान वडगांव की और राधनपुर की जनता ने आप पर जो भरोसा किया, बस इसी भरोसा पूरी गुजरात की जनता आप पर करे। इस पर मैं चर्चा करूंगी, पाटीदारों ने कितना आपका साथ दिया या नहीं दिया, इस पर बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास। लेकिन उसके बाद जो दूसरा सवाल मैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर लाना चाहती हूँ, हार्दिक पटेल आपके सामने है, वो ये है कि बीजेपी की जीत को आप स्कैम बताते हैं, आप ईवीएम पर उंगली उठाते हैं, सबूत भी तो दीजिए, वरना क्यों भरोसा करेगा कोई आप पर? कैसे स्कैम है बीजेपी की जीत? नहीं बिल्कुल हम सबूत देंगे। आज हमारे 4-5 जो मेरे जो मित्र कैंडिडेट थे उसको हमने कहकर पूरा डिटेल इकट्ठा करके हम हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर रहे हैं। मैंने ईवीएम इसलिए बोला है कि जिस मशीन के अंदर 200 वोटिंग काउंट हुए थे, अगर उसकी रिकाउंटिंग की कैंडिडेट मांग करता था तो उसके वो 200 नहीं 215 मशीनें निकलती थी। हमने आपको मालूम नहीं होगा 4-5 जगह ऐसी है जहां देखने को मिला है, मीडिया ने भी अच्छा लिया था कि जब मशीन सील हुई तो 1214 वोट थे, लेकिन जब मशीन खुलती है तो उसी के अंदर 1250-1260 जैसे वोट निकलते। मैं खुलकर ये नहीं कहता हाँ बिल्कुल गलत, मैं ये कहता हूँ हमने जो वीवीपीआईटी मशीन लगाया, मतलब पर्ची का जो मामला लगाया है, फिर अमित शाह के बारे में तो आप कहते हैं कि जो चाहते हैं वो करते हैं। मैं ये कहता हूं कि फिर 150 की उन्होंने तो टारगेट 150 का रखा था, जीत लेते 99 पर क्यों अटकते हैं? सेंचुरी भी नहीं बना पाए वो। रखा था ना, नहीं ताकि जल्दी कोई शक ना कर ले ना, नर्वस 90 पे तो बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं ना जी, ताकि भरोसा ना हो ना, मतलब लोग जल्दी शक। मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम के अंदर जो वीवीपीआईटी लगा है उसको हमने क्यों रखा है, ताकि ऐसा कोई इश्यू हो, ताकि कोई शक करे तो हम वीवीपीआईटी की गणतरी कर सकते हैं, मतलब उसकी मतगणना कर सकते हैं। तो बस हमारी यही मांग है कि जहां पर कोई कैंडिडेट कहता है कि मुझे यहां पर शक हो रहा है, मैं यहां पर सवाल उठा रहा हूं, तो उसमें वीवीपीआईटी की गणतरी होनी चाहिए, बस इतनी ही मेरी बात थी। अगला सवाल, उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। राजकोट और महसाणा की कुछ सीटें, अगला सवाल जो आपके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है हार्दिक पटेल, वो ये है कि आपका गुजरात का जनादेश जातिवाद के खिलाफ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, ये गुजरात ने आपको सिखा दिया।
मतलब अमित शाह जी ने विकास की बात कही या फिर वो खिलजी औरंगजेब भारत तो पाकिस्तान मंदिर या मस्जिद, पीएम ने कहा जीतेगा भाई जीतेगा विकास ही जीतेगा बात कही उन्होंने लेकिन दो महीनों के चुनाव प्रचार में मैंने कहीं नहीं देखा कि जहां पर विकास की बात हुई हो, जहां पर गांवों में कौन सा विकास हुआ उसकी बात हुई हो, जहां पर रोजगार के कितने उपलब्धियां प्राप्त हुई उसकी बात हुई हो, जहां पर फसल के सही दाम मिले हो ऐसी बात हुई हो, जहां पर एक ऐसा मॉडल बनाया हो जैसे युवाओं को रोजगार ज्यादा मिले ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बात तो हुई कि मुझे ये कहा, बात हुई मुझे खिलजी वाला मुद्दा औरंगजेब वाला मुद्दा, आपको मंदिर चाहिए मस्जिद चाहिए वो बात हुई थी, जीत गए इसलिए बोल रहे हैं कि विकास जीता, लेकिन बात तो उन्होंने भी जातिवाद धर्म की थी। चलिए ठीक है, आपका ये आरोप है कि उन्होंने भी यही किया था लेकिन आपने भी किया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसी सीटों की जहां पर पटेल वर्सेस पटेल जंग थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पटेल उम्मीदवार और दूसरी तरफ से भी पटेल उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी मार गई वहां बाजी। तो क्या आप पटेलों के भी नेता नहीं बन सके? इन्हीं सवालों के साथ लौट रहे हैं अल्पेश जी, अब तो आप कांग्रेस पार्टी के टीम ए है, मेरा सवाल आपसे ये है, विधायक बन गए हैं, मुबारक हो आपको, विधानसभा में आप पहुंचेंगे, वहां पर कौन सा स्वरूप दिखेगा, आंदोलनकारी का या फिर नेता का, क्या करेंगे? बीजेपी को कह रहे हैं हार्दिक पटेल कि आप लोग परेशान कर देंगे विधानसभा में। देखिए अंजना जी, देखिए अंजना जी, हम तो आंदोलन से जुड़े हुए लीडर हैं, हमारा काम क्या है, इन इश्यूज को उठाना, पर सिर्फ विरोध करना वो राजनीति नहीं होती। राजनीति के अंदर जा रहे असेंबली के अंदर, भाजपा जीती है तो हम उन इश्यूज को उठाएंगे और भाजपा गवर्नमेंट की जो कमियां हैं, जो गवर्नमेंट को देना चाहिए लोगों को, उसकी आवाज उठाएंगे और बड़े विनम्रता से मांगेंगे सरकार से लोगों के लिए गांव तक विकास चला जाए, गांवों में रोजगार हो, गांव में पानी पहुंचे, इस तरह की बातें करेंगे। पर देखिए आपने कल कहा था कि आप समझ में आएगा सबको कि राजनीति क्या है, एक सेकंड सबको साथ में, एक सेकंड, आपने कहा था कल कि अब समझ में आएगा राजनीति क्या होती है, राजनीति वही मैं बोल रहा हूं, क्या नई सोच है, क्या नया है, क्योंकि ये जो बातें आप कह रहे हैं तो हम लोग किस राजनीतिक लोग होता कुछ, हमें वही राजनीति, सुनिए 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 बोलना, आपने सवाल कर दिया मुझे, सुनिए अब। देखिए राजनीति में जिस तरह से लोगों का नजरिया है कि राजनीतिक लोग भ्रष्टाचारी है, राजनीतिक लोग वादा खिलाफी करते हैं, और जिस तरह से 22 सालों में राजनीति गुजरात के अंदर चली है वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार की, वो राजनीति के रूप तो बदलने पड़ेंगे। ईमानदार राजनीति आए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए राजनीति आए, वो आवाज बनेगी। देखिए सदन में हम जाएंगे तो ईमानदार आवाज रखेंगे, गुजरात के किसानों महिलाओं बेरोजगारों की आवाज रखेंगे। और देखिए जो हुआ है, जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, देखिए वो 51 प्लस की बात कर रहे थे उनको हम 99 तक ले आए हैं, जो 46 थी कांग्रेस वो अब 83 में आ गई है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लड़े हैं हार्दिक पटेल, लड़े हैं जिग्नेश मेवाणी, लड़े हैं अल्पेश ठाकुर, लड़ा है कांग्रेस, लड़े हैं राहुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हार्दिक, मुकाबला हुआ है, आप चुनाव नहीं लड़के भी ऐसा लगता है कि इनके लीडर तीनों के आप ही है, बात बात में हार्दिक जी लड़े उसके बाद बाकी दोनों का नाम आता है। नहीं नहीं मेरे तो दोस्त है अंजना जी, आज मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि देखिए मैं इन पिछड़ों का विकास चाहता हूँ, ओबीसी एससी एसटी का, साथ में उन सवर्ण जातियों के बच्चों को भी आरक्षित अधिकार में आज भी देखना चाहता हूँ, और गरीबी बेरोजगारी के इश्यूज पे लड़ना चाहता हूँ। देखिए गरीबी कोई जाति धर्म की नहीं होती, सवर्ण जाति के गरीबों को भी आरक्षित अधिकार मिलना चाहिए, मैं आज नेशनल चूज पे आज भी बोल रहा हूँ, और चाहे वो पाटीदार हो, क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैन हो, जितने भी सवर्ण जाति के बच्चे हैं गरीब, उनको ये आरक्षित अधिकार मिलना चाहिए। ये तो आप बोल रहे हैं उस दिन से बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूला पूछेंगे तो फिर आप चुप हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी फॉर्मूला पूछेंगे आपसे कि आरक्षण कैसे मिलेगा पटेलों को, क्योंकि आप ओबीसी आरक्षण के हिस्से से देंगे या फिर एससी एसटी, क्या करेंगे? हीरो या जीरो, राजनीति में कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। इनकी रैलियों में बहुत भीड़ जरूर आती थी, लेकिन हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी कम से कम राजनीति की जंग में गुजरात में सत्ता तक पहुंचने की रेस में पीछे छूट गए। हमारे साथ ये तीनों आंदोलनकारी इस वक्त बने हुए हैं। एक सवाल मुझे लगता है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, हार्दिक पटेल, ऐसी 9 सीटें जिस पर पटेल वर्सेस पटेल लड़ाई थी वो कांग्रेस ने जीती, लेकिन ऐसी 25 सीटें जिस पर पटेल थे बीजेपी की तरफ से भी और पटेल ही उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो बीजेपी जीत गई।
मेरा सवाल तो ये है कि जातिवाद के आधार पर आप राजनीति की नींव रख रहे हैं और आप पाटीदारों के ही नेता नहीं बन पाए, वहां भी वो बीजेपी के साथ चले गए। सूरत ने आपको धोखा दे दिया, 10 में से 9 सीटें बीजेपी की हो गई, तो फिर आप किसके नेता बने? पहली तो बार अंजना जी, कोई मैं ठाकुर मैं पटेलों के जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आरक्षण की किसकी मांग कर रहे हैं सर आप? रखनी है। और दूसरी बड़ी बात कि आपने जो नहीं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा, अभी बोल रहा हूँ। अमानत पर ही, अनामत पर ही तो, आरक्षण पर ही तो, अनामत पे ही तो आपकी पूरी नींव है आंदोलन की, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन राजनीतिक की नींव नहीं है ना, राजनीतिक की नींव नहीं डाल रहा। आपने कहा राजनीतिक की नींव डाल रहा हूं, मैं राजनीतिक की नींव नहीं डाल रहा, क्योंकि समाज के नाम पर राजनीति करना मेरा मुद्दा नहीं है। और जहां तक बात रही कि आपने क्या किया क्या नहीं, अंजना जी मैं कोई राजनीति करने के लिए ये आंदोलन नहीं कर रहा था। और बात रही भाजपा जीती, हाँ बिल्कुल मैं भाजपा के खिलाफ था। और गुजरात के अंदर अभी भी आपने जो आंकड़े दिखाए कि 2012 के अंदर 25% युवा भाजपा कांग्रेस के साथ था, इस बार 38% युवा कांग्रेस के साथ है। दूसरी बड़ी बात, पटेल पहले 22% कांग्रेस के साथ थे, इस बार 47 से ज्यादा प्रतिशत लोग कांग्रेस के साथ रहे। अब बात रही, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मुझसे गलती भी हुई, क्योंकि 23 साल का हूं, अभी सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, अभी अभी मैंने गुजरात की परिस्थितियों को नहीं समझा। एक गलती जो आप ईमानदारी से बता दें, क्या समझ में आता है? एक गलती, और एक गलती जो आप बताएं ईमानदारी से। देखो अभी भी मैंने, मैं बिल्कुल अंजना जी मैं ईमानदारी से ही बोलूंगा, क्योंकि ईमानदारी से ही कहना मुझे आदत है। जितना आपने इंटरव्यू किया मैंने ईमानदारी से ही खुलकर बोला हूं अभी तक। मुझे अभी तक मेरी गलती समझ नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं गलती अगर मेरी हुई होगी बिल्कुल मैं समझूंगा। और अभी मैं 50 साल का नहीं हो गया कि ये चुनाव खत्म हो गया और अब मुझे कुछ नहीं करना। आई एम ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। तो अभी भी मैं मेहनत करूंगा, समझूंगा, जहां गलती हुई भी मैं सुधारूंगा। बतौर कांग्रेस विधायक अंजना जी, आप फॉर्मूला समझा दीजिए। गवर्नमेंट अगर हमारी आ गई होती तो आज हम आपको फॉर्मूला भी बता देते। ये बड़ा विन विन सिचुएशन है, अगर हमारी गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही भी नहीं। पर मिल के आरक्षण का मुद्दा भी असेंबली के अंदर रखेंगे, ये पक्की बात है। आरक्षण का मुद्दा भी रखेंगे, पक्की बात है अंजना जी, हम रखेंगे। फॉर्मूला बता दीजिए ना सर, क्या फॉर्मूला जी? अभी 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 एमएलए को जाने तो दो सभी को, तब जाके वहां बात रखेंगे, सबके सामने रखेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए तुरंत डिफेंस में आ जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप ये बताइए कि क्या हम कंसोलिडेशन देखेंगे? हाँ बोलिए बोलिए अल्पेश, पाटीदार ओबीसी और दलित का। नहीं नहीं, देखिए हमारी बातों में एक साम्यता, हम गुजरात की बात करते हैं, हम गरीबों किसानों बेरोजगारों की बात करते हैं, ये कोई जातिवाद नहीं है। देखिए ये गुजरात की बात है, गुजरात के गौरव, अल्पेश एक सेकंड की बात है, आपने जो बोला उससे बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आया। एक सेकंड, होना चाहिए सवर्ण जाति के बच्चों को भी आरक्षित अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है अल्पेश हार्दिक, एक बहुत गंभीर सवाल मेरे मन में आया, ये जो उन्होंने कहा है कि हम गुजरात की भाषा बोलते हैं, आम आदमी की भाषा बोलते हैं। अब मुझे हार्दिक पटेल आप ये बताइए कि यूपी से लेकर गुजरात तक इनकी सरकार बन रही है, कांग्रेस के सिर्फ 4 राज्य बच गए हैं, मेघालय मिजोरम में अभी से प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है, लगता है कर्नाटक भी हाथ से निकल सकता है। आप लोग क्या इस देश में लोगों को उनके वोट को गलत ठहरा रहे हैं? या तो वो गलत है या आप गलत है। हार्दिक पटेल आप कहते हैं कि नहीं, देश की जनता हमारे साथ है और बड़े गुस्से में है मोदी जी के खिलाफ, फिर क्यों राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है? लोग गलत हैं या आपका एनालिसिस गलत है? हार्दिक, हमारी सादगी पर शायद उनकी बेमानी भारी पड़ गई होगी, शायद ये हो सकता है कि हमारी सादगी इतनी थी कि इनकी बेमानी हम पर इतनी भारी पड़ गई कि आज कहीं ऐसा तो हो गया कि हम गलत रह गए। तो हार्दिक, ये 49% लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, आपके साथ नहीं है पूरा देश, आप उनके विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 49% लोगों ने वोट किया, आप उनके विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो समझ नहीं पाए उनकी मैं भाजपा के विवेक पर सवाल कर रहा हूँ। लेकिन गुजरात के अंदर जो मामला बना था यूथ के लिए,
किसानों के लिए और पटेलों आरक्षणों के लिए, बस इसी मुद्दे पर हम लोगों को जागरूक कर रहे थे अंजना जी। हम पर अत्याचार किया, युवाओं की हत्या की, बस उसी मुद्दे पर और कुछ नहीं है। हम लड़ाई अभी भी जारी रखेंगे और वही आक्रोश, वही जुनून, वही खुमारी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं सिर्फ एक निडर युवा हूँ। लेकिन आप अल्पेश पॉलिटिशियन बन गए और इसीलिए मैं सवाल अब कांग्रेस की रणनीति पर सीधे सीधे आपसे करूंगी। क्या हम मंडल वर्सेस कमंडल देखेंगे, जिस तरह की जातिवाद की राजनीति के साथ आप आगे बढ़े हैं, क्या हम ऐसा होता हुआ गुजरात में देखेंगे? और अब जिग्नेश मेवानी भी हमारे साथ जुड़ गए। जिग्नेश स्वागत है, अल्पेश जवाब दे लीजिए, फिर जिग्नेश के पास चलिए। हमने कहा जातिवाद कीजिए, देखिए हमने कहा जातिवाद किया अन्ना जी, इतना भी जलील मत कीजिए। हमने बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, शराब पाबंदी की बात की है, जातिवाद नहीं है, पहले ये डिनाइड कर दूं। दूसरी बात, अपनी तरफ करने के लिए हार्दिक पटेल से हाथ मिलाया, क्यों आगे क्या बात कर रहे हो अल्पेश? देखिए गुजरात के अंदर भाजपा के खिलाफ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सराहा है, उनको समर्थन भी दिया है, तो ये पक्की बात है हम हार के भी जीत गए हैं और वो जीत के भी हार गए। मोदी साहब खिलजी औरंगजेब और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, वो जातिवाद या धर्म के नाम पर राजनीति करते तो सही रहता है। जब कोई युवा रोड पर निकलकर कहता है कि हमें रोजगार दो, जब कोई युवा बाहर निकलकर कहता है कि मेरा बाप खेती करता है, मेरे बाप के फसल के सही दाम दो, उसको राजनीति कैसे कह सकते, उसको जातिवाद कैसे कह सकते, वही समझ नहीं आया। आप गुजरात के अंदर आए, आप किसी पटेल को मिले और पटेल ने किसी ओबीसी का विरोध किया हो, ऐसा एक चित्र मुझे दिखाइए। सब लोग साथ में बैठे हैं, सब लोग साथ में बैठकर लोगों के हितों की बात करते हैं, तो कैसा जातिवाद है? जिग्नेश मेवानी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिग्नेश मेवानी, मुबारक आपको भी, विधायक बन गए, आप भी विधानसभा पहुंच गए हैं। आरक्षण का मुद्दा सबसे आगे रहेगा, किस तरह की रणनीति अपनाकर आप पढ़ेंगे और विधानसभा के अंदर पहली बार अगर कोई मुद्दा उठाना रहेगा तो जिग्नेश मेवानी क्या उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा हार्दिक और अल्पेश को पूछकर यह उठाएंगे कि एक सीएजी का कैक का रिपोर्ट असेंबली के आखिरी सत्र की आखिरी मिनट पर नहीं, पहले सत्र की पहली मिनट पर पेश होना चाहिए, ताकि पता चले कि इंक्लूडिंग मोदी जी किसने 22 साल में कितना खाया है। हार्दिक ही सरदार लग रहे हैं आप तीनों के मुझे। हम दलित हो, पाटीदार हो, ओबीसी हो, पूरे गुजरात को एक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता किसी को, इसलिए हमें बांटने का प्रयास हो रहा है। पर जितना भी लड़ाने का प्रयास हो, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, पूरा गुजरात हम एक रहेंगे। अरे 150 सीटों पर से उनका घमंड उतर गया और 99 पे आ गए, ये भी बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री। 99 पे आ गए और मोदी जी के पास अब कोई कहने को कंटेंट ही नहीं बचा है। और 46 पे आ गए, मानसिक तौर से बूढ़े हो गए, अब तो हम युवा आएंगे, राजनीति इस देश का युवा करेगा। युवा मोदी जी की उम्र होने चली, उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, उनको हिमालय में चले जाना चाहिए अपनी हड्डियां गलाने के लिए। नहीं मतलब इसका क्या मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मैं नहीं समझ पाई। जिग्नेश, क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको प्रधानमंत्री के लिए करना चाहिए? घर जाके बैठे आराम करे, बहुत बहुत हाँ बिल्कुल बहुत बोरिंग आदमी हो गया है, उनको बोले कि आराम करे, भी रेस्ट करे, हम लड़ेंगे। आप बड़े इंटरेस्टिंग है, का वक्त हो गया, वो उनकी कोई बात नहीं सुनता, इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप बड़े इंटरेस्टिंग है, इसीलिए 80 पर जनता ने रोक दिया। मैं तो बहुत दिलचस्प हूँ, मैं बहुत दिलचस्प हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। आपकी शायरी जनता नहीं समझ पाई लेकिन अरे जनता ने बहुत प्यार कर दी है, 19,000 वोट से जीता है, क्या बात कर रही है आप बस एक सीट पे ही सीमित रह गए ना अरे एक सीट में शुरुआत हम लोग थोड़े से चूक गए, थोड़े से चूक ही राजनीति में बहुत बड़ी चूक होती है, क्योंकि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। नहीं नहीं अब ठीक है, लड़िए लड़िए, लेकिन सभी को तैयार हो जाइए, तीनों मिलके लड़ेंगे। हाँ अब ये आया मुद्दे का सवाल, 2019 हार्दिक पटेल, देखिए आप तीनों सामने हैं, 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, ये दोस्ती यारी यूं ही चलती रहेगी? 2019 में भी अभी टाइम है, ये दोस्ती ऐसी बनी रहेगी तीनों की? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल। अरे बने रहेगी, मैं जो मुद्दे मैं बिल्कुल मुद्दे के साथ लड़ने वाला हूँ, और मैं इन दोनों
रहेगी दोस्ती, आप लोग तो हमारे मतलब जनता में, तो एक जनता हूँ, लीडर तो रहे हूँ अल्पेश भाई, जिग्नेश भाई, लेकिन हमारी जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे तो बिल्कुल हमारी दोस्ती मजबूत रहेगी। ना आप कह रहे हैं हार्दिक की सेलिब्रेशन नहीं हो रहा, मतलब जश्न नहीं मना रहे बीजेपी गुजरात, हार्दिक भी राजनीति में आ रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जैसी भाषा बोल रहे हैं। अंजना जी, हार्दिक भी 1.5 साल के बाद राजनीति में आ रहे हैं। हार्दिक आज मोहर लगा ही दीजिए आज तक पर कांग्रेस। हाँ, मोदी जी अभी अभी ऐसा कुछ पसंद करूंगा नहीं, अभी तक मैंने तो जाहिर में बोला हूँ, मतलब लेकिन हार्दिक अच्छा, यदि आप चुनाव में आते हैं पसंद करते रहे मोदी जी और हार्दिक पटेल, में हार्दिक पटेल को पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, हार्दिक ये बताइए आप कह रहे हैं कि गुजरात में जश्न नहीं मना रही है बीजेपी, सरकार में वो है, सरकार में है और थोड़ा लेट से मनाना शुरू किया क्योंकि बिहार की वजह से परिस्थिति ऐसी थी कि उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि फिसल जाए मामला, कभी कभी तो सेंचुरी के पास जा रहे थे, आ रहे थे पेंडुलम की तरह। आप कैसे कह रहे हैं गुजरात में जैसे मना जी, मैंने देखा हाँ। मैंने एक सच बताऊं एक जमाना था मतलब 2007, हम भी उस टाइम भाजपा में काफी ज्वाइंट थे, हम लोगों ने भी काफी, मेरे पापा की गाड़ी में चुनाव के कैंडिडेट लड़ते थे। मैं यही कहता हूं कि 2007 और 2012 के अंदर जो लोगों में उत्साह था ना, वो उत्साह नहीं है क्योंकि लोग अंदर से इतने खामोश थे कि बोल रहे थे कि यार कैसा विजय, विजय नहीं है, हम यही चाहते थे कि पहले के जमाने में लोग घर में लड्डू खुश थे, यार ये जीत गए वो जीत गए, ऐसा कहीं मैं पूरी रात कल जगा हूं, मैं पूरी रात गुजरात में घुमा हूं क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों से मिलना था कल, मैं अलग अलग जगह तो कुछ और ही कहते हैं ना, हार्दिक नहीं देखा उन लोगों का, हार्दिक आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, 48% से वो 49% वोट शेयर पे चले गए, पटाखे फोड़ते वगैरह वगैरह करते, 48 से 49 पे चले गए। हार्दिक देखो एक बात की बात कर रहे थे, वो 99 पे आ गए, उनकी उनके गुब्बारे की एक हवा निकाल दी, 151 बोलने वाले को 99 पे ला दिया, ये भी तो हम लोगों की अल्पेश भाई आप हवा निकाल दी 99 पर आप लोग खुश होंगे। अरे अल्पेश तब तो आप क्रेडिट दे दीजिए हार्दिक को, आप तो सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं, अल्पेश तब तो थोड़ा क्रेडिट हार्दिक पटेल को दे दीजिए, आप तो सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं। अंजना जी, हम तीनों ने एक आंदोलन चलाया, उसके साथ राहुल जी ने जो रैलियां की, आपको एक ताजुब होगा, राहुल जी जहां जहां गए सब जगह पे कांग्रेस जीती, हमें थोड़ा बहुत एक मलाल रह गया कि अगर अर्बन इलाकों में राहुल जी को घुमाते तो हम ये 10-15 सीटें जो कम आई वो भी हो जाता, पर हम तीनों आंदोलनकारी है, हम तीनों ने बहुत मेहनत की है, लड़े तो है, दूर तक जाएंगे, देखिए हार जीत लगी रहती है पर हम लड़े तो है सरकार की विफलताओं के खिलाफ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन तीनों आंदोलनकारी हमारे साथ बने हुए हैं जिनमें से दो तो पूर्ण रूप से नेता बन चुके हैं, एक अभी भी बाकी है। बहरहाल तो क्या जातिवाद की राजनीति से ऊपर गुजरात वाकई उठ गया है या फिर इस आंदोलन के जरिए ऐसे तीन नेता खड़े हो गए हैं जिनका जबरदस्त मुकाबला आने वाले वक्त में बीजेपी को करना पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। नए सिरे से हम बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए हार्दिक पटेल सबसे पहले हीरो या जीरो, दो लाइन में जवाब। अरे मैं कहां से हीरो या जीरो, मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा था और जनता के मुद्दे लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा था, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं चुनाव हार गया और अब मैं डर के घर में बैठ गया, मैं तो वही किताब हूं जहां पर खुलकर मेरे मुद्दे सब लोग नहीं अंजना जी, अभी तो आप बोल रहे हैं हीरो या जीरो, आप बोल रहे किंग मेकर, मुझे मत बनाइए, मुझे तो सिर्फ लोगों के काम करने दीजिए और मजबूताई से काम कर लूंगा, लोगों के अधिकार की बात करूंगा और आने वाले दिनों में और ज्यादा लड़ूंगा, अभी तो 23 साल का हूं, जितना सीखा इतना लड़ा, आने वाले 3-4 साल में ज्यादा सीखूंगा तो ज्यादा बोलूंगा और ज्यादा सही सटीक बातें सरकार के सामने रखूंगा। जिग्नेश मेवाड़ी, हीरो या जीरो नतीजे के बाद, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की बन गई, जो जीता वो सिकंदर। हाँ तो थोड़ी बहुत सिकंदर हम भी बन गए हैं ना, हम भी जीत गए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हार और जीत से ऊपर होती है और वो होती है निष्ठा और कमिटमेंट के साथ जनता की लड़ाई लड़ना। सारे वो लोग जो सड़कों पर उतरे गुजरात में, उन सभी का विजय हुआ है। 150 सीटों का घमंड लेकर भाजपा घूम रही थी, 2 डिजिट पर आ गई, ये 2 डिजिट पर ही रहेंगी 2019 में भी, और केवल ये लड़ाई हार्दिक अल्पेश या जिग्नेश की नहीं है, गुजरात की आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की बहनों की भी है,
गुजरात के किसान मजदूर और बेरोजगार युवा की भी है, सूरत के व्यापारियों की भी है, सारे उन लोगों की है जिनको 22 साल के विकास के मॉडल में कुछ नहीं मिला। और ये लड़ाई आने वाले दिनों में और भी इंटेंस होगी और भी संघर्ष को आगे ले जाएंगे और 2019 में ऐसा तगड़ा मजा चखाएंगे कि भाजपा कहीं दिखेगी नहीं। हार्दिक, कहीं इनको घमंड तो नहीं होने लगा, ऐसी आवाज लग रही है। सिद्धू राखो नहीं नहीं घमंड की बात नहीं है, वो तो उनकी तरह से सही है जो उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है वो निर्दलीय चुनाव लड़े और लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत आशा उन पर रखी है लोगों ने। और जब भी कोई युवा अजना जी बाहर निकलता है, जब लोग उस पर आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो उस युवा की मतलब उस लीडर की जिम्मेवारी बनती है कि जनता ने जो मुझ पर विश्वास रखा है बस उसी विश्वास पर मुझे चलना है। हार्दिक पटेल, शहरी वर्सेस गांव, हमने एक डिवाइड देखा है, शहरी वोटर बीजेपी के साथ, तो क्या वहां पर विकास हुआ था कि वो खुश थे सरकार से? नहीं, बिल्कुल शहर में जिस तरह से रोड रास्ते होते हैं और वो सरकार का काम है, मतलब शहर में विकास हुआ होता है, लेकिन बिल्कुल शहरों ने उनके साथ रहा है। मतलब थोड़ा वोट डिफरेंट काफी हुआ, जब भाजपा कांग्रेस के बीच में जो 50,000 वोटों की हार जीत होती थी, वहां पर अब 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोटों से हुआ है। एक आखिरी सवाल, जैसे बच्चा होता है ना, उसके हाथ से खिलौना आप छीन लीजिए तो वो रोने लगता है, मेरा आरोप आप दोनों पर यही है। पता नहीं मुझे जिग्नेश का क्या स्टैंड है इस पर, लेकिन हार्दिक पटेल अगर बीजेपी को नहीं हरा पाए तो ईवीएम खराब था, ईवीएम हैक कर दिया विदाउट प्रूफ, ये मतलब बड़ा बचकाना लगता है। जिग्नेश, और मैं तो चुनाव जीत चुका हूं 19,000 वोट की लीड के साथ जीना हूं, तब आपके लिए तो ईवीएम ठीक होगा। मैं मानता हूं कि एनी गिवन डे ईवीएम मशीन से, मैं वही कह रहा हूं कि एनी गिवन डे आज की तारीख में मैं बैलेट पेपर को पसंद करूंगा ईवीएम के मुकाबले। उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग ईवीएम को लेकर जो अपनी शिकायत है उसको सही मंच पर ले जाएंगे और वहां पर उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि ऐसी संस्था है चुनाव आयोग जिसमें लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में जब जीते तो ईवीएम वाह वाह और जब नहीं तो फिर गालियां, ये नहीं चलेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक पर शामिल होने के लिए इस चर्चा में, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। हीरो या जीरो तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन लंबी पारी की आपने शुरुआत की है, आप तीनों को इसके लिए हार्दिक बधाई। लेकिन जीत बीजेपी के हिस्से में गई और इस बार के चुनाव की हार्दिक बधाई वो ले गए आपके हाथ से। देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।